दोस्तों, करवा चौथ 2023 में कब है और कब निकलेगा चांद, और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त, और सरगी किस समय खाना है, कौन देता है सरगी, जानिए सब कुछ ज्योतिष के अनुसार। दोस्तों, भारत में हिंदू धर्म ग्रंथों, पौराणिक ग्रंथों और शास्त्र आदि के अनुसार हर महीने कोई ना कोई उपवास, कोई ना कोई पर्व, त्योहार या संस्कार आदि आता ही रहता है। लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है, उसका सुहाग इन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। दरअसल इस दिन को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। आज हम इस्माइल फैमिली चैनल के माध्यम से करवा चौथ के चांद से लेकर के कपड़े और खाने तक का संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो प्रेमी जोड़े इस व्रत को रखते हैं तो उनमें एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है। करवा चौथ का व्रत प्रेम का प्रतीक भी माना गया है। ये न सिर्फ पति की उम्र बढ़ाता है बल्कि ये प्यार को दोनों के बीच कई गुना बढ़ा देता है। ये व्रत ही नहीं होता अपितु इसमें प्यार भी छुपा होता है। ये व्रत सच्चे प्रेम को दर्शाता है। दोस्तों, इस व्रत को सच्चे प्यार की निशानी मानी जाती है। दोनों के बीच एक रिश्ता ऐसा जुड़ जाता है जैसे मानो प्रकृति आपस में बातें कर रही हो, जैसे धरती और अंबर, जैसे सागर और नदी का मिलन होता है। उसी प्रकार करवा चौथ पर प्रेमी जोड़ों के लिए आपस में प्यार समर्पण करने का विशेष दिन माना जाता है, विशेष व्रत आदि माना जाता है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी दोनों को मिलकर करना चाहिए। अगर किसी कारणवश पति ना कर पाए तो पत्नी को करना चाहिए। पत्नी यदि बीमार हो तो पति को पत्नी के लिए आत्मसमर्पण हेतु व्रत आदि करना चाहिए। ऐसे में भगवान शिव और मां पार्वती अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि इससे जीवन सुखद होने लगता है। हालांकि पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग बड़े धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं, लेकिन उत्तर भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि में इस दिन अलग ही नजारा होता है। दोस्तों, करवा चौथ व्रत के दिन एक ओर जहां दिन में कथाओं का दौर चलता है, तो दूसरी ओर दिन ढलते ही विवाहिताओं की नजरें चांद के दीदार के लिए बेताब हो जाती हैं। चांद निकलने के बाद घरों की छतों का नजारा भी देखने लायक होता है। दोस्तों, स्माइल फैमिलीज के माध्यम से सभी जानकारी हम बारी बारी से बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना और एक लाइक जरूर करें, कमेंट्स में लिखें जय माता पार्वती, क्योंकि यह व्रत माता पार्वती को समर्पित होता है। जब आप कमेंट में जय माता पार्वती लिखते हैं तो इससे आपके पति की आयु बढ़ेगी तथा पत्नी की आयु बढ़ेगी। और हां, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, ताकि करवा चौथ पर आपको लाभ प्राप्त हो जाए। दोस्तों, दरअसल सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के बाद आसमान के चमकते चांद का दीदार कर अपने चांद के हाथों से निवाला खाकर अपना व्रत खोलती है। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले ही 4 बजे के बाद शुरू हो जाता है और रात को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है। मान्यता है कि विवाह उपरांत 12 या 16 साल तक लगातार इस व्रत को किया जाता है। दोस्तों, लेकिन इच्छा अनुसार जीवन भर भी विवाहिताएं इस व्रत को रख सकती हैं। माना जाता है कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ कोई व्रत आदि नहीं होता। दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि आखिर 2023 में करवा चौथ कब है और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जानिए चांद निकलने का समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, 2023 में इस बार करवा चौथ नवंबर के महीने में यानी 1 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन बुधवार है और पूजा करने का मुहूर्त है। शाम 5:36 से लेकर शाम 6:54 तक, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करना है और चांद निकलने का समय है 8:15, जो कि इस बार चांद जल्द ही निकलेगा। हर जिले में चांद अलग अलग निकलता है, अलग अलग समय पर निकलता है, लेकिन चांद निकलेगा। जरूर आपका व्रत संपूर्ण और सफल होगा, जरूर। दोस्तों, खास करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं करती हैं एक बड़ी गलती, जाने अनजाने में पहन लेती है ऐसे कपड़े जिसके कारण पति पर आते हैं भारी संकट। इसीलिए खासकर करवा चौथ पर ऐसे कपड़े और सर पर ऐसी चुन्नी कभी ना ओढ़े। दोस्तों, करवा चौथ महिलाओं का एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे देश भर में बड़ी ही श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता है। बॉलीवुड में लगभग सभी अभिनेत्रियां इस व्रत को भली भांति करती हैं। आपको बता दें, विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ को मानती हैं।
ऐसे में करवा चौथ की शॉपिंग तैयारियां महिलाएं कई दिनों पहले से ही करना शुरू कर देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, खास तौर पर करवा चौथ के दिन ऐसे कपड़े और ऐसी चुन्नी कभी नहीं पहननी चाहिए। यहां तक कि बॉलीवुड में अभिनेत्रियां भी ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती। व्रत टूट जाता है, पति पर आते हैं भारी संकट। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये त्योहार पति के लिए किया जाता है। इसीलिए ऐसा पाप अनर्थ कभी मत करना। तो चलिए जानते हैं स्माइल फैमिलीज चैनल के माध्यम से। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान ले कि करवा चौथ पर क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। एक सुहागिन महिला को अपने पति की निशानी कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। इसे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है। जैसे शादी का जोड़ा, माथे की बिंदिया, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, पैरों की बिछिया, आपकी शादी की चुन्नी जो कि बहुत महत्व रखती है, ऐसे में कोई भी 16 श्रृंगारों में से कोई भी एक चीज कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये आपके पति की निशानी है। लेकिन हाँ, आप किसी को नया वस्त्र या नया श्रृंगार दे सकती हैं, लेकिन आप अपना कभी ना दे, अन्यथा पति पर संकट आ सकते हैं। आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती हैं। पति पत्नी में प्रेम कम हो सकता है, और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि पति पत्नी में प्रेम कम हो जाए। इसीलिए थोड़ा संयम नियम का पालन जरूर करें। दोस्तों, अब जानते हैं खास करवा चौथ पर ऐसे कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिसके कारण व्रत कभी ना टूटे, पति पर कोई भी संकट ना आए। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहां तक कि फेरों के समय में भी लाल चुन्नी पहनाई जाती है। देवी देवताओं में भी लाल कपड़े का महत्व माना जाता है। शास्त्रों में लाल रंग और भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। लेकिन इसी के साथ ही, क्या आप जानते हैं, खास तौर पर करवा चौथ के दिन एकदम सफाचट सफेद साड़ी, सफेद सूट, फिर चाहे उस पर मोती ही क्यों ना लगे हो, आपको करवा चौथ पर कतई नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये रंग स्त्री के विधवा होने का रूप होता है। और बात जब करवा चौथ की हो तो सफेद वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। यहां तक कि उपहार में भी एक व्यक्ति को, महिला को सफेद वस्त्र नहीं देना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, खास करवा चौथ पर अगर आपका शादी का जोड़ा रखा हुआ है तो उसे पहनकर इस व्रत को करने से बहुत ही शुभ माना जाता है। शादी का जोड़ा करवा चौथ पर जब कोई महिला पहनती है तो इससे पति को बहुत खुशी होती है, साथ ही साथ माता पार्वती का मिलता है आशीर्वाद, क्योंकि ये जोड़ा आपके अटूट प्रेम की निशानी है और मंत्रों से बंधा होता है, तथा बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ और देवी देवताओं का, माता का आशीर्वाद मिला होता है। इसीलिए शादी का जोड़ा खास करवा चौथ पर जरूर पहनना चाहिए। ऐसे में अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप बाजार से भी लाल चुन्नी, लाल कपड़े पहन सकती हैं। दोस्तों, खास करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा, भगवा रंग, हरा, पीला, गुलाबी, इन सभी रंगों के कपड़े पहने जा सकते हैं, जो कि ये रंग गलत नहीं होते। खास करवा चौथ के दिन आप पुराने कपड़े भी पहन सकती हैं। दोस्तों, खासकर करवा चौथ पर मांग में ऐसा सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए होता है, घोर अनर्थ लगता है, स्त्री को पाप, और ऐसे में करवा चौथ का व्रत भी सफल कभी नहीं होता। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर वन, सबसे पहले आपको बता दें, जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। इसीलिए मां को एक लायक तो बनता है। दोस्तों, नंबर टू, खासकर करवा चौथ पर आप ऐसी गलती कभी ना करें। कम से कम आज के दिन माथे पर भरपूर मात्रा में, जितना लंबा हो सके, माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा दृश्य देखकर माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं और देती है अखंड सौभाग्यवती का वरदान। माता पार्वती को बहुत खुशी होती है जब कोई स्त्री भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाती है। दोस्तों, नंबर थ्री, कई लोग फैशन के लिए माथे पर शॉर्ट सिंदूर लगाना पसंद करते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। खासकर ऐसी स्त्रियों को माता पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर आप हल्का सा सिंदूर लगती हैं तो इससे आपके पति पर हमेशा विपदाएं बनी रहेगी। आपका पति किसी पराई स्त्री की ओर आकर्षित हो सकता है। आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती हैं। आपके पति के कई संबंध हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर लगाने से पति पत्नी में प्रेम और बढ़ जाता है, पति भी होता है आकर्षित, मिलता है लंबी उम्र का वरदान। इसीलिए कम से कम खास कर करवा चौथ पर ऐसी गलती कभी ना करें। दोस्तों, नंबर फोर, सिंदूर की डिबिया अगर हाथों से गिर जाए तो ये भी शुभ लक्षण नहीं होते। अगर ऐसा हो जाए तो माता पार्वती को याद अवश्य करें, बला टल जाती है। साथ ही साथ सुहागिन महिला को अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर कभी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति भटक जाता है, दोनों के बीच आती हैं भारी विपदाएं। दोस्तों, नंबर फाइव,
अगर आपका पति आपकी मांग में सिंदूर भरता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं और मिलता है 7 जन्मों तक का साथ। ये दृश्य इस बात का इशारा करता है कि आपका पति आपसे बहुत प्रेम करता है। माता पार्वती को होती है खुशी, मां बचाती है संकटों से। देखिए करवा चौथ की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो में आपको करवा चौथ की विधि भी बताई गई है। दोस्तों खास करवा चौथ पर जब आप शॉपिंग करें तो क्या खरीदें और क्या नहीं, और क्या लाना और क्या पहनना और क्या खरीदना सबसे जरूरी माना जाता है, आइए जानते हैं। दोस्तों करवा चौथ अब बस कुछ ही दिन दूर है, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि अब जल्द से इस खास दिन के लिए जरूरी चीजों की शॉपिंग कर लेनी चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि खास करवा चौथ पर क्या खरीदें और क्या नहीं और क्या खरीदना सबसे उत्तम और सबसे खास माना गया है, तो आइए जानते हैं। दोस्तों इस खास करवा चौथ पर सबसे पहले आपको बता दूं खरीदारी करते समय क्या खरीदना सबसे खास माना गया है, ये जानना आपको बहुत ही जरूरी है। नंबर 1 कपड़े, महिलाएं करवा चौथ पर अपनी शादी में पहनी साड़ियां या लहंगे को ही पहनती थीं, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब महिलाएं इस मौके पर नए ट्रेडिशनल कपड़े लेना पसंद करती हैं। आप चाहे ये कपड़े किसी भी तरह के ले सकती हैं, लेकिन लाल, हरा, पीला, गुलाबी, मेहरून और ऑरेंज कलर सबसे खास माने गए हैं। लेकिन लाल रंग के जोड़े का सकारात्मक असर कुछ अलग ही रंग लाता है और इसे पहनना भी शुभ माना गया है। दोस्तों नंबर 2 वयां। वयां को आसान भाषा में इस तरह समझा जा सकता है कि ये वो तोहफा होता है जो सास को दिया जाता है। इसीलिए बाजार से खरीदारी करते समय एक बहू को यह ज्ञान होना चाहिए कि बाजार से अपनी सास के लिए कोई गिफ्ट जरूर खरीदें और उन्हें दें। दोस्तों नंबर 3 चूड़ियां। चूड़ियां लेना कतई ना भूलें, सुहागन के सिंगार में इसका खास महत्व माना जाता है, इसीलिए इसे जरूर ले। इसके लिए चाहें तो आप मैचिंग चूड़ियां ले सकती हैं या फिर हैवी कड़े ले सकती हैं। करवा चौथ में इसका होना बहुत ही शुभ माना गया है, इसके बगैर करवा चौथ व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों नंबर 4 आभूषण। करवा चौथ पर आभूषण की खरीदारी की जाती है, ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाएं अपनी साड़ी के साथ ही आभूषण लेना भी पसंद करती हैं। आप चाहे तो ट्रेडिशनल या फिर मॉडर्न आभूषण ले सकती हैं। दोस्तों नंबर 5 करवा चौथ से पहले महिलाएं घर पर ही मेहंदी लगाए करती थीं, लेकिन अब मार्केट में ही उन्हें आसानी से मेहंदी लगाने वाले मिल जाते हैं। वैसे अगर आप इसके लिए लंबी लाइन नहीं लगाना चाहती हैं तो घर पर ही मेहंदी लगाना एक बेहतर ऑप्शन माना जाएगा। दोस्तों नंबर 6 करवा और छलनी करवा मिट्टी से बना छोटा सा करवा होता है जिसमें पानी भरा जाता है। करवे से चांद को देखते हुए पानी चढ़ाया जाता है, वहीं छलनी से चांद को देखा जाता है और फिर पत्नी पति को देखती है, करवे से ही पति पत्नी को पानी पिलाता है। अगर ये दोनों चीज करवा चौथ पर ना हो तो आपका व्रत सफल नहीं माना जाएगा, बल्कि अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों नंबर 7 खास करवा चौथ पर मोर पंख अवश्य खरीदने चाहिए, इससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं और पति पत्नी का जीवन सुखमय बीतता है। खास करवा चौथ पर मोर पंख घर में लाने से दौलत का आगमन भी होता है। पति पत्नी को अपने कमरे में मोर पंख जरूर लगाना चाहिए, इससे प्यार और बढ़ जाता है। दोस्तों नंबर 8 खास करवा चौथ पर तिलिया या सिखों का होना बहुत ही अहम माना गया है। करवा चौथ पर तिलिया अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों अब ये भी जान लेते हैं कि खास करवा चौथ पर क्या ना खरीदे और किन किन गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 1 खास करवा चौथ पर सफेद कपड़ा और काला कपड़ा कतई ना पहने, ऐसा करने से रिश्तों में निगेटिविटी आएगी। नंबर 2 करवा चौथ खुशी का त्योहार माना जाता है, ऐसे में धारदार चीजें चाकू, छुरी, कैंची आदि बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए, ऐसा करना पति पत्नी में झगड़ा आदि हो सकते हैं। नंबर 3 करवा चौथ पर टूटी हुई छलनी और चटका हुआ करवा बिल्कुल भी ना खरीदे, आपका व्रत खंडित हो सकता है, ऐसे में आपको अशुभ परिणाम मिल सकते हैं, ऐसा करने से बचे। दोस्तों नंबर 4 करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाली सीखें या तिलिया बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, जैसे उनकी टूटी हुई डंडिया बिल्कुल भी ना हो। अगर ये तिलियां टूटी हुई है तो आप इन्हें इस्तेमाल ना करें और दूसरी बाजार से खरीद लें। दोस्तों नंबर 5 सबसे पहले मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करें, बगैर मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होगा। इस बात का ज्ञान हमेशा आपको होना चाहिए, जो महिला मुहूर्त पर पूजा पाठ करती है तो उसके पति को कई लाख गुना व्यापार में फायदा होता है, रिश्तों में मधुर फल प्राप्त होते हैं। देखिए पहले आप मुहूर्त में पूजा पाठ कर लें, आप आराम से कहीं बैठ जाएं, फिर चंद्रोदय के बाद पूजा पाठ करने से मुहूर्त का लाभ भी मिल जाएगा और चांद के दीदार भी हो जाएंगे। दोस्तों करवा चौथ के दिन चाहे कुछ भी हो जाए,
एक सुहागिन महिला को ना ही गलत रंग का कपड़ा पहनना चाहिए और ना ही किसी औरत को अपनी ये चीज देनी चाहिए, अन्यथा आपके पति का जीवन संकट में पड़ जाएगा, आपके रिश्ते भी टूट सकते हैं। करवा चौथ का पर्व कोई साधारण पर्व नहीं है, ये बात आप लिख लें। स्त्री को हमेशा ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उसका पति सिर्फ उसी के लिए बना है, अर्थात अगर कोई औरत अपना मेकअप किसी गैर औरत के साथ शेयर करती है तो उसका पति भी कहीं और शेयर हो जाता है। मतलब आपका पति नहीं रहता, उसका मन कहीं और भटकने लगता है। ऐसे में आपका मंगलसूत्र, सिंदूर, यहां तक कि पैरों से लेकर बिंदिया तक कोई भी चीज किसी औरत को शेयर ना करें, क्योंकि ये आपके पति की निशानी है। आपके पति पर बस आपका हक है और आपका हक कोई और औरत नहीं छीन सकती। दोस्तों ये बात आप लिख लें। आप नया मेकअप खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन अपना तो मरते दम तक किसी को मत देना, चाहे गंगा में विसर्जित कर देना, लेकिन किसी औरत को मत देना। दोस्तों खास तौर पर करवा चौथ का व्रत एक अधूरी शादी वाली महिला को कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आप गर्भवती हैं और आप इस व्रत को रखने में सक्षम हैं, तो आप इस व्रत को रख सकती हैं। अगर आपकी स्थिति व्रत रखने की नहीं है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। साथ ही साथ कुंवारी कन्या करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। और वहीं अगर आपकी कोर्ट मैरिज हुई है और साथ फेरे नहीं हुए हैं, तो ऐसे में आप इस व्रत को कभी ना रखें, क्योंकि ये शास्त्रों के विरुद्ध माना जाएगा। ऐसा पाप मत करना। पहले हिंदू रीति रिवाजों के साथ साथ फेरे ले लें, तभी ही इस व्रत को कर सकती हैं। दोस्तों जो स्त्री कोर्ट कचहरी से शादी करती हैं और साथ फेरे नहीं लेती है, तो ऐसी शादी अशुभ मानी जाती है। फिर चाहे वह किसी भी धर्म से शादी क्यों ना हो, ऐसी शादी अपवित्र ही मानी जाती है। ऐसी औरत मात्र एक रखेल के रूप में देखी जाएगी, मात्र यह रिश्ता एक कचरा है और कुछ नहीं। जिस शादी में साथ फेरे होते हैं, परिवार सहित आशीर्वाद होता है, वह शादी संपूर्ण और सफल एवं खुशी और एक अच्छे पैमाने के साथ देखी जाती है। दोस्तों अब जानते हैं करवा चौथ पर खाने में क्या बनाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, और व्रत रखने से पहले सर्गी कैसे लें, किस समय लें और इसे कौन देता है। आइए जानते हैं, स्माइल फैमिलीज के विस्तार से देखिए। एक कथा के अनुसार सबसे पहले देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था। देवी पार्वती की सास नहीं थी, इसीलिए मायके से माता मैना ने इन्हें सर्गी दी थी। इसीलिए विवाह के पहले वर्ष में मायके से सर्गी देने की भी परंपरा रही है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था, तब उनकी सासू मां कुंती ने सर्गी दी थी। इस तरह मायके और ससुराल से सर्गी की परंपरा जुड़ी हुई है। सर्गी किस समय लेना चाहिए? सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सर्गी में आप मेवे आदि खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं, नारियल पानी इस समय आप अवश्य पिए, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। दूध जलेबी आप खा सकते हैं, तला भुना भूलकर भी ना खाए, इससे आपका पेट खराब होगा और आपका व्रत टूट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप फलों का जूस पिए। सर्गी में लहसुन प्याज का खाना कभी मत खाना, नहीं तो मां देवी पार्वती आपसे क्रोधित हो जाएंगी और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। सर्गी खाने का समय सूर्य उदय से पहले सर्गी खा लेना चाहिए, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के पहले जरूर खा लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद सूर्य उदय हो जाता है। इसके बाद आप खाएंगे तो आपका व्रत टूट जाएगा। सर्गी खाने से शक्ति मिलती है तथा बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और आपका व्रत संपूर्ण और सफल होता है। दोस्तों करवा चौथ पर खाने में यह चीज कभी नहीं बनाना चाहिए। माता के भोग में इन चीजों को कभी नहीं चढ़ाया जाता। करवा चौथ पर भूलकर भी लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप कड़ी पकौड़ा, खीर पूरी, हलवा आदि अवश्य बनाएं। आप चाहे तो आलू गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, पनीर आदि बना सकते हैं, चावल भी बना सकते हैं, लेकिन माता रानी के लिए खास भोग में हलवा पूरी खीर छोले की सब्जी आदि बना सकते हैं। करवा चौथ पर अगर आपका पति मदिरा का सेवन करता है तो समझो आपका व्रत खंडित हो जाएगा, आपके पति की आयु घट जाएगी, चौथ माता क्रोधित हो जाएंगी। इसीलिए करवा चौथ का व्रत सूझबूझ के साथ रखा जाता है, इसमें कोई गलती ना करें। लहसुन प्याज का खाना तो कभी मत बनाना, क्योंकि ये भोग चौथ माता को लगता है। और देखिए, यदि करवा चौथ पर शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो खट्टा नहीं खाना चाहिए, पानी पूरी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह दिन संतोषी माता का होता है और संतोषी माता क्रोधित हो जाएंगी, और अगर वह क्रोधित हो गई तो आपके घर में गरीबी, कंगाली, राहु दोष, पितृदोष आ सकता है। इसीलिए जब करवा चौथ पर शुक्रवार पड़ जाए तो सावधानी से भोजन बनाना चाहिए। भोजन में इमली, खट्टी चीजों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस दिन माता संतोषी जागृत अवस्था में आ जाती हैं। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। दोस्तों अब जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप ना लगे। खास करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करना चाहिए। तो आइए ये भी जान लेते हैं।
दोस्तों, करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए? आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है तो वही स्त्रियां ये व्रत रख सकती हैं। अगर जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़ती है तथा नफरत करती है तो उसे ये व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये त्योहार प्यार का है, नफरत का नहीं। इसीलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद ना निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति ये व्रत रख सकता है, और वही किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वो महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वो घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहे तो अपने पति से भी पूजा करवा सकती हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकती हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श न करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श न करें। मासिक धर्म में व्रत रखने की कतई मनाही नहीं है, या आप मासिक धर्म को रोकने के लिए मेडिसिन भी खा सकते हैं जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, वही गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन डॉक्टर की राय अवश्य ले लें। दोस्तों, पति की निशानी जो मंगलसूत्र होता है उसे स्वयं आप ही खरीदें या अपने पति से ले लें। दूसरी महिला का मंगलसूत्र इस्तेमाल ना करें, इससे पति पर संकट आ सकते हैं। चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके मांग में संपूर्ण सिंदूर भरना चाहिए। माता रानी को सिंदूर से सजी संवरी महिला बहुत अच्छी लगती है और देती है सौभाग्यशाली होने का वरदान, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र मां पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र हर हाल में गले में होना चाहिए। दोस्तों, चौथ माता को क्या ना चढ़ाएं। जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदे तो याद रहे सिखे या तिलियां टूटी हुई नहीं होना चाहिए, जो कि हम दिखा रहे हैं। इन सिखों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ लोग 8 भी इस्तेमाल करते हैं। वही जब आप बाजार से टोटीनुमा माटी का करवा खरीदे तो देख लें, करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा तथा चटका करवा माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना गया है। माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाए तो नया ही चढ़ाए। ध्यान से देखें, चूड़ियां टूटी हुई नहीं होना चाहिए। आप भी टूटी तथा चटकी चूड़ियां ना पहने। करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। जल्दी टूटी हुई नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो पुरानी करवा चौथ की छलनी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप बाजार से भी ला सकती हैं। दोस्तों, माता को जब आप भोग लगाए तो फलों में 5 रंग के फल होना चाहिए और मिठाइयां भी 5 रंग की होना चाहिए। बड़ा ही शुभ माना गया है। फलों में खासकर माता को नाशपाती ना चढ़ाएं, शुभ नहीं माना जाता। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयां रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले चावल बाजार से खरीदें। चावल टूटे हुए नहीं होना चाहिए। चावल साफ और सफेद होना चाहिए। माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। माता को लाल चुन्नी चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना गया है। करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दें। पाप लगता है, व्रत टूट जाता है। चौथ माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी लाल कपड़े से लगानी चाहिए। इस बात का ध्यान रहे, चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाएं तो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फटा गला फोटो खंडित माना गया है। फोटो संपूर्ण होना चाहिए। फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ाना चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़ना चाहिए। कथा जब आप सुने तो आपकी मुट्ठी में थोड़े चावल होना चाहिए। दोस्तों, कथा आप वीडियो द्वारा भी सुन सकते हैं, जो कि हम स्माइल फैमिली चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कथा का लिंक दे देंगे, आप वहां से सुन सकते हैं। करवा चौथ की पूजा में पूरे मेकअप आदि श्रृंगार के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे, अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो मन में खाने के प्रति लालसा ना रखें, अर्थात जब तक पूजा संपन्न ना हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन अपवित्र ना करें, और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली सास या ननद को दी जाती है। साथ में थाली में दक्षिण भी डाली और आशीर्वाद लेना ना भूलें। अंत में पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें। व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय माता रानी, जय चौथ माता की।